अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं नासिर हुसैन शाह, बात करेंगे एपिसोड 58 के हवाले से। तो एपिसोड 58 के अंदर क्या होने वाला है जी, मैंने आपको कुछ दिन पहले 57 के एपिसोड के हवाले से बताया था, यही बताया था कि यहाँ पर नौशरवान को होश आएगा और वो दुआ के हवाले से पूछेगा, और वही हुआ। तो अब 58 एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है जी, 58 एपिसोड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग मरहला आने वाला है। यहाँ पर कश्माला पकड़ी जाएगी, वो किस तरह पकड़ी जाएगी मैं आपको बताता हूँ। नौशरवान कहेगा खाने में जहर दुआ ने नहीं मिलाया, तो फिर पूछेंगे कि खाने में जहर किसने मिलाया। तो यहाँ पे सबकी नज़रें कश्माला की तरफ जाएंगी, तो कश्माला को पानी के अंदर छुरी जब नज़र आएगी तो वो बोलेगी इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे रोइन और यहाँ से चली जाऊँ। और यहाँ पर सरफराज और कश्माला की आपस में लड़ाई भी होने वाली है, क्योंकि सरफराज यहाँ पे कश्माला को ब्लैकमेल करेगा। और इसके साथ साथ जाफ़र नज़र रखे हुए सरफराज और कश्माला के ऊपर, जाफ़र के पास कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो कि वो इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का, सही वक्त का, जहाँ पर वो नौशरवान को ये सारे सबूत दिखाएगा। और यहाँ पर आगे नौशरवान की तबीयत बेहतर हो जाती है और नौशरवान मज़ीद आगे कश्माला के हवाले से सोचता है, तो वो सोचता है कि अब आगे क्या करना चाहिए कश्माला के साथ। जबकि यहाँ पर अब्बा साईं और अम्मा साईं को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर गलती दुआ की नहीं, किसी और बंदे की है, और सारा शक कश्माला के ऊपर जाएगा। दुआ परेशान ज़रूर होती है, वो अपने माँ बाप के घर होती है, लेकिन नौशरवान अभी भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और नौशरवान ये समझता है कि उसको जहर दुआ ने नहीं दिया, किसी और ने दिया, लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और जाफ़र उसके पीछे पीछे सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि सही वक्त में अब्बा साईं और अम्मा साईं के सामने ये सारे सबूत रखे और कश्माला का पता साफ हो जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला एपिसोड में, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या आप मुझे फेसबुक या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख लें, मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।